सर क्लियर है। यस सर। ओके ओके। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस सर। नो नो नो। अभी अभी। यस सर। यस सर। यस सर। यस। Still some students are remaining to learn. We wait for 2 or 3 minutes. Okay, fine. 5:50, 54 and 56. So this is a mental statement from the if else necessary. अभी next week का example अभी देखेंगे. So these are the necessary mental and flow control statements for while break. We can continue. Getting the syntax clear? Syntax clear सबको? If का? Yes, yes sir. Flow chart. Okay. If in bracket expression means your condition. Any condition, it can be. We have to use a comparison operator and logical operator for condition. If more than one condition in there in single expression, in that case, what we have to use? जैसे कि हमने वो greatest of three numbers का example देखा था. What you have done in that? A greater than B and A greater than C. If both are true, then your condition is satisfied and your print statement will be executed. उसके बाद क्या देखा था? Elif. Elif में क्या देखा था? In bracket B greater than A and B greater than C and then print B is the largest number of that three and last में else obviously क्या होगा? C. L is the biggest. Okay. तो flowchart exam में कैसे होता है? They will ask you explain if statement or control statement with example and with flowchart. So you have to write down one syntax, one simple example and one flowchart. Okay. एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया हमने, करके देखेंगे कंपाइल के ऊपर. दिस इज व्हाट इफ एल्स. इफ एल्स में क्या है? वन पार्ट एक्स्ट्रा ऐड होता है. कौन सा? एल्स वाला. और इफ में क्या है? इफ में एल्स पार्ट हमने वहां पे मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू कंसीडर कि व्हाट यू हैव टू टेक. यू हैव टू टेक इफ और इफ एल्स. दो कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं. कंडीशन मीन ट्रू और फॉल्स कंसीडर करना है उस केस में. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू यूज इफ एंड एल्स. इफ के अंदर क्या लिखेंगे हम? What you have to write? If in bracket expression means your condition, followed by statement one, statement two with indentation, followed by else. Else के बाद भी वहाँ पे क्या करना है? आपको colon है, वहाँ पे miss करना नहीं है. क्योंकि कुछ लोगों को C के और C++ की आदत होती है. In that case there is no colon. They are using what? Curly brackets. Okay. So that's why what will happen with this code? You will get error for that statement. If statement invalid syntax. Syntactical error आपको करने नहीं है. मिस्टेक्स करने नहीं है. ओके. सो उसके फ्लो चार्ट आपको वहां पे ड्रॉ करना है सेम फॉलोड बाय एक एग्जांपल. वो करके देखेंगे. ये क्या हो गया? एलिफ. मोर देन वन कंडीशन आपको कंसीडर करने है. अभी दो नंबर दो एक ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर में क्या करेंगे? एक ही कंडीशन होता है. इफ ए ग्रेटर देन बी उतना चेक करेंगे हम. और एल्स क्या होगा? ए ग्रेटर नहीं होता ऑब्वियसली. क्या होगा? बी होगा. बट यू हैव टू चेक व्हाट? थ्री नंबर करने. तो उस केस में व्हाट यू रिक्वायर? एलिफ. तो एलिफ में क्या होगा? पहले वी हैव टू राइट फर्स्ट कंडीशन इन इफ फॉलोड बाय कोलन फॉलोड बाय द स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन दैट इफ फॉलोड बाय व्हाट? एलिफ. एलिफ में अगेन सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन का जो भी आपका आपको आउटपुट वहां पे डिस्प्ले करना है दैट यू हैव टू राइट इन दैट एलिफ ब्लॉक. देन ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा? एल्स. फिर एल्स होगा. ओके क्लियर है? अभी यहाँ पे दो ही कंडीशन है तो और एक कंडीशन बढ़ता है वहां पे. दैट इज मोर देन टू. अभी यहाँ पे टोटल तीन कंडीशन चेक हो रहा है. एक तो आपका इफ वाला एलिफ वाला दोनों भी नहीं हुए तो ऑब्वियसली थर्ड वाला क्या होगा? सी वाला. बट उससे भी और एक है और एक एक्स्ट्रा है. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू राइट? इफ एलिफ एलिफ एंड देन लास्ट वाला एल्स. दैट यू हैव टू एज पर यूर रिक्वायरमेंट ऑफ यूर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो कैसे एग्जीक्यूट करना है दैट with respect to that you have to mention your other conditions of elif. Getting?
एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नेस्टेड, अभी नेस्टेड देखा नहीं था हमने कल. सो व्हाट इज नेस्टेड, एनीबॉडी कैन टेल मी? Nested is basically placing one nest after the other. That is placing. Yes, मतलब एक nest के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसको? और एक लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो, one example यहाँ आया हुआ है. देखो पहले क्या किया है? In this program we input a number and check if number is positive or negative or true. And this is the appropriate place. This is we use. यहाँ पे nested if use किया. अभी देखो कैसे किया है. First statement क्या लिखा वहाँ पे? इसको run ही करते रहेंगे. Greater than equal to zero. Check if it's a positive number. क्या हो गया यहाँ पे? निगेटिव ना? यस सर. ओके, सो यहाँ पे देखो, ये बारे यहाँ से भी करता हूँ. तो किया था इनके भीतर. यहाँ पे नीचे. हाँ. So, यहाँ पे क्या किया आपने? मुझे कोड किया है. What you have done? You have to check whether given number is positive, negative or zero. So, इस केस में क्या किया आपने? What you have done? First, I have taken one input. Okay? I have taken. Now, is equal to क्या लिखा मैंने? INT input enter number. उसके बाद क्या लिखा मैंने? If condition लिखा है. बराबर? Yes. और if के अंदर क्या चीज़ था? Condition check किया मैंने? नाम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? लीप के अंदर आएगा. द कंट्रोल विल गो टू द इनसाइड द इफ. अभी इनसाइड इफ जाने के बाद पहला स्टेटमेंट क्या है वहां पे? अगेन एक कंडीशन यूज किया हमने. कौन सा? इफ. वहां पे क्या कंडीशन किया? इफ नम इज इक्वल टू जीरो देन प्रिंट जीरो, अदरवाइज एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर. अभी ये होने के बाद ये कब होगा? जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो. कौन सा वाला? आउटसाइड इफ. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर होगा तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा ना. यस और नो? सो एल्स में क्या लिखा मैंने? प्रिंट नेगेटिव नंबर. तो पहला वाला इफ है और उसके अंदर वाला इफ है वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. कौन सी इफ की? आउटर इफ की. सो वन इफ इनसाइड अनदर इफ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? Nested if. Nested if. Getting one if inside another if is called as what? Nested if statement. Okay. So exam में पूछेंगे आपको explain nested if or if else. So in that case you have to explain likewise this example. Okay. अब इसको run करेंगे. हाँ. Tell me. और अगर हमने if elif use किया होता तो भी चलता ना? हाँ. Yes. It is okay. जैसे कि previous program में क्या था? कौन सा? Largest of three number. Okay. So वैसे भी चलेगा. No problem. बट हमें नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल देखना है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? आई हैव रिटन वन थिंग. गेटिंग? ओके. ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर? यस और नो? यस सर. ओके. यस सर. यहाँ पे जीरो और माइनस वन वगैरह चेक करते हैं कंडीशंस. नेगेटिव नंबर क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज वो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया. कौन सा? आउटर इफ वाला. So directly go to the what? Else part. So else part पे क्या लिखा हमने? Number is negative number.
Clear? Any doubt regarding next study? Yes or no? No. Okay? No, sir. Okay. सर सर एग्जांपल लिख के रखो आपको एग्जाम में लिखना होगा सर मतलब हां इसमें नेस्टेड इसमें एक हाँ, इफ पे दूसरा इफ डिपेंडेंट यस 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 सर वी आर यूजिंग द वन इफ इनसाइड अनदर यस हां उसे वहां पे इंडेंटेशन से हम समझ में आ रहा है सबको इंडेंटेशन से समझ में आ रहा होगा ना आपको यस ये देखो यहां पे ये जो इफ है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया उसके बाद एक लिखा है उसके नीचे उसका एल्स लिखा है मतलब ये पूरा एक इफ हो गया ओके और ये पूरा टोटल एक इफ हो गया यस गेटिंग सो इंडेंटेशन से क्लियर हो जाएगा आपका कौन सा लू इफ किसके अंदर है सो नेस्टेड इफ का आप एग्जांपल पूछा यू कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल सो यू कैन ट्राई योर ओन एग्जांपल सब जो भी आपको लिखना है बट एक एग्जांपल कोई भी टॉपिक होगा ना उसका आप परफेक्ट करके रखो जो कि आपको एग्जाम में लिखना होगा मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि दे कैन डायरेक्टली आस्क यू वन कांसेप्ट नेस्टेड इफ तो एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा सो दैट एग्जांपल यू हैव टू कंपल्सरी प्रिपेयर योरसेल्फ जो भी आपको करना है ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला तो आपको यही करना है यू कैन ट्राई योर ओन एग्जांपल आल्सो जैसे स्वैप ने करके बहुत से लॉजिक अलग अलग लॉजिक आप लोगों ने लिखे सम हैव यूज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सम हैव यूज एक्सपर ऑपरेटर सम हैव यूज टेम्पररी ऑपरेटर टेम्पररी वेरिएबल सम ऑफ द यूज व्हाट दैट डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स लाइकवाइज सो फोर डिफरेंट logics they have written so likewise here also you can try your own code also sirf wahan pe aapko output properly aana chahiye getting yes or no yes sir okay so all of you ha tell me sir jo andar ka if hai uska indentation jo spacing hai aur jo bahar ka jo if hai uska indentation ka jo spacing hai wo same hi hona chahiye nahi 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 ye aise bol rahe hain aap ये देखो ये इफ है इसके अंदर हमें ड्रॉप ऑफ स्टेटमेंट लिखने पर बारे इसके इफ के अंदर इफ ये इफ के अंदर क्या डिपेंड है हमारा इफ एल्स का अंदर वाली इफ बराबर यस सर यस सर हां तो वहां पे इंडेंटेशन देना जरूरी है ना आपको ये इफ के बाद इसके नीचे जो है आपका हां फिर कौन नॉट दैट वन द प्रिंट हां यस यू हैव टू गिव इनसाइड यस डेफिनेटली क्योंकि इफ के अंदर आउटसाइड द आउटसाइड इंडेंटेशन फॉर द इफ ब्रैकेट आउटसाइड इफ ब्रैकेट that one, indentation sir the if statement which is inside that indentation and the outside if which is there and for that which indentation you have used in the last one that must be this same one, this one or this one yes this one na yes sir see ye problem are simple yaad rakhna aapko jab hum if else use karte hai okay mujhe kya karna hai कि इफ है इफ के अंदर कुछ तो स्टेटमेंट मुझे लिखने वो डिपेंडेंट करने किसके ऊपर वो इफ कंडीशन के ऊपर ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट हो क्या करूंगा मैं इंडेंटेशन दूंगा उसको ठीक है पर उसके अंदर और एक लिखा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वाले क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा इंडेंटेशन देना ही पड़ेगा जैसे इफ नम इज इक्वल टू जीरो तो अगेन इफ के अंदर और एक स्पेस देना पड़ेगा मुझे तभी क्या होगा मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा दिस वन So what will you do? You know error, na? Yes, sir. क्या हो गया error? Expected and intended block. मैंने आपको पहले बोला ना दो टाइप के एरर आते हैं एक तो होता है अनएक्सपेक्टेड और दूसरा होता है expected. अभी ये किस टाइप का हो गया Expected. क्यों बिकॉज इफ में आपको इंडेंटेशन देना ही देखो ना सिंपल है यहाँ पे एक लिखा तो ये इसके अंदर ये इफ है क्योंकि वो ही कंडीशन के ऊपर इफ वाला स्टेटमेंट डिपेंड है पर इफ के बाद क्या चाहिए उसके ऊपर उसकी भी एक कंडीशन है सो उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे वाला स्टेटमेंट क्या चाहिए आपको विद इंडेंटेशन मतलब यहाँ पे क्या चाहिए आपको स्पेस ओके यस सर यस सर क्लियर है सबको क्लियर हो ये इंडेंटेशन कब देना है कब नहीं देना है okay so, sir when we in the program yes, in the exam when we write the source code yes. sir, do we have to take care of the indentation yes yes you have to take care of the indentation jaise maine aapko bola na abhi ye dekho ye aapko square dikh raha hai editor ka same aap ye kya karo pencil se ek box banao
So in that box you have to write your, or consider from here left hand side वाला आपका जो ये होता margin होता है, that is your what? वहाँ पे आप क्या करो, point करो, उससे हिसाब से आप क्या करो, you have to take your indentation. सिंपल ऐसे ही करना है आपको. यहाँ पे क्या, ये एडिटर है, वहां पे आप क्या करो, ड्रॉ करो. जनरली भी क्या होता है, मार्जिन होता ही ना आपका, लाइन होता है ना. व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, क्वेश्चन नंबर लिखते हो, क्या था मार्जिन में, तो मार्जिन के साथ से स्टार्ट करो. वहां पे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है. ओके और ऐसा नहीं कि वन स्पेस देना है, टू, सिर्फ आपको इंडेंटेशन होना चाहिए. अगर दो स्पेस दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम है, एक दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम है, या हमने अगर तीन चार स्पेस दिए, नो प्रॉब्लम. सिर्फ आपको इंडेंटेशन होना चाहिए. इट इज नॉट मैंडेटेड टू हैव टू टेक ओनली वन स्पेस और टू स्पेस. अभी यहाँ पे देखो, इसके जो अंदर वाला है इसके बाद वहां पे कितने स्पेस है, दो या तीन स्पेसेस ना, एक स्पेस नहीं वहां पे. और जो ऊपर वाला उसमें क्या दिया है, एक स्पेस दिया है इसके बाहर वाला. क्लियर है? सो इट इज नॉट मैंडेटेड टू टेक टू स्पेसेस और थ्री स्पेसेस और फोर स्पेसेस. You can take any space while you are giving the indentation for that specific if. Clear it? Any doubt? If else or nested if or elif में कुछ doubt है क्या किसी को? कर सकते हैं? Yes or no? अभी इसका flowchart draw करके दिखाना है. Yes. का homework, okay? Tomorrow all of you show the flowchart for this program. कर सकते हैं? Okay sir. Flowchart for this program. Okay. Yes sir. Okay. So we'll move forward. लुपिंग स्टेटमेंट, अभी कंट्रोल स्टेटमेंट में होते हैं, लुपिंग स्टेटमेंट भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग तो हो गए हमारे. सेकंड क्या होता है, लुपिंग स्टेटमेंट. अभी लुपिंग स्टेटमेंट जनरली किसके लिए यूज होते हैं वो बताता हूं आपको. सिंपल मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया था. क्या एग्जांपल बताया था मैंने सर? हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करने का एग्जांपल दिया. हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है, कोई कुछ डायरेक्टली मुझे 1 टू 10 नंबर्स प्रिंट करने, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट 1 टू 10 नंबर्स. सो एक तो क्या कर सकते हैं आप, 10 वेरिएबल लो, 10 वेरिएबल डिस्प्ले करो. But that is not a proper way of writing any code. और 10 बार hello world print करना है, so you cannot reuse print 10 times. Use कर सकते हैं, that is correct. But whether that is a good practice of writing any code? No. So number of lines of code बढ़ता है उससे, okay? दो चीजें होती है, होती time complexity and space complexity. Okay? Space complexity and time complexity. You आपको अभी डाल करके एक subject लिखना है. An analysis of algorithm. So in that case, what you have to calculate the space complexity. Okay. So in that case, what happens? Space complexity means what? Number of lines of code in your code. Number of lines of code in that your specific program. That is nothing but what? Space complexity of that specific code. Second or time complexity. वो code execute करने के लिए कितना time लगता है? Okay. That is called as what? Time complexity. वो calculate कैसे करना है वो बाद में आप जब third year में last subject पढ़ेंगे, in that you will clear with that what is time complexity, how to calculate that. Okay? Different formulas are there. Okay? So by using that you can तो hello world का जो program मैंने बताया कि ten bar print करने खुला अरे म्यूट करो किसका ऑन है हेलो सो हेलो वर्ड का प्रोग्राम मैंने बताया आपको कि 10 टाइम्स आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड और एनीथिंग. So print 10 times, so उसके वजह से मैं क्या करूंगा, सिंपली आई हैव रिटन फॉर लूप. सो फॉर लूप में एक ही बार में प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और एक फॉर लूप का स्टेटमेंट. तो कितने लाइन में कोड हो गया हमारा, दो लाइन इंस्टेड ऑफ वी कैन राइट 10 लाइंस. 10 लाइन की जगह पे क्या करेंगे हम, दो लाइन लिखेंगे. ओके और कुछ भी होगा, बहुत से लॉजिक है, जैसे कि अभी आप देखेंगे जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि आप देखो जो भी ERP सिस्टम है, एक ही चीज में मतलब बार बार आप देखो कि वहां पे फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने क्विक फॉर्म भरा, उसमें हमने क्या डाले थे, सिंपल यूर इन्फॉर्मेशन लाइक यूर नेम, यूर एड्रेस, यूर मोबाइल नंबर, यूर फादर मोबाइल नंबर, पैन कार्ड. उसके बाद अगेन मैं किस पेज पे गया था, क्विक फॉर्म के बाद एक्चुअल आपका डिटेल्स भरने के लिए एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह भरा था बाद में. ओके सो वहां पे नाम सर्च किया, सर्च किया था वहां पे भी क्या सर्च कर रहे, मतलब क्या कर रहे, रैंडमली सर्च हो रहा है ना. सो सर्च के लिए क्या डायरेक्टली वो सर्च नहीं हो रहा है, वी आर यूजिंग सम एल्गोरिथम्स एंड इन दैट एल्गोरिथम वी आर यूजिंग व्हाट, फॉर लूप्स सर्च करने के लिए. ओके और डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आपने जो वहां पे एड्रेस डाला तो वहां पे बाय डिफॉल्ट भी आ रहा है, यहां पे जो जहां पे आप परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस वहां पे डाल रहे हैं. ओके लोकल एड्रेस.
सो इन दैट केस व्हाट जो आपने वहां पे स्टार्टिंग पे फॉर्म पे मैंने भरा था एड्रेस सो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सो ऑल थिंग्स आर यूज्ड बाय यूजिंग लूप्स और एनी डिफरेंट फंक्शंस लूप्स ओके एल्गोरिथम्स एंड दैट एल्गोरिथम आल्सो इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग फॉर लूप्स सो उसमें होते हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स फॉर लूप स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट्स सो जनरली हां हां यस सर अगर हम सपोज 10 वेरिएबल में जब व्हेन वी इनपुट 10 वैल्यूज एंड इफ वी यूज अ लूप तो क्या मेमोरी जो स्पेस है वो इक्वल ऑक्यूपाई होती है कि नहीं नहीं ज्यादा ऑक्यूपाई होती है क्योंकि 10 वेरिएबल आपके जो आपने डिफाइन किए डिक्लेअर किए हर एक में वेरिएबल को कुछ तो मेमोरी एलोकेट होती है ओके सो कुछ कुछ फायदा ही नहीं फिर उसके फॉर लूप यूज नहीं होगा मतलब आप डायरेक्टली 10 वेरिएबल लिख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है फिर अगेन फॉर लूप यूज करेंगे तो 10 वेरिएबल की मेमोरी वहां पे एलोकेट हो जाएगी So again, wastage of memory is there due to that. Okay. कोई भी आप जब variable declare करते हो, some memory will be allocated for that variables. Okay? So depending upon that, so जितने variable कम declare कर सकते हैं, उतने कम करने का try करो. Okay. When you are writing a program. So for that one way is what? Loops. Okay? Then, अभी generally loops होते हैं, वो होते हैं, three types के loops होते हैं, while, do while and for loop. But do while loop is not here, not using in what? Python. We are using only two loops, while and for loop. And in that, you can apply nested. Just say, we nested if they can say nested for loop. Or nested while loop. Okay? While can under while or for can under for. Okay? So one by one, what will we do? Syntax. Dekhenge. Syntax ki jagah directly hum code dekhenge. Different simple codes are there. So, यहां पे आपको पहली बात याद रखनी है फॉर लूप में हमें क्या चाहिए वन फंक्शन इज रिक्वायर्ड दैट फंक्शन नेम इज रेंज फंक्शन विच फंक्शन रेंज फंक्शन अभी रेंज फंक्शन क्यों यूज करना है अभी जनरली देखो आप लोगों ने सम ऑफ द योर डन विद सी ना सी सी प्लस प्लस वहां पे फॉर लूप लिखा होगा बराबर सो उस फॉर लूप में आपने क्या किया होगा व्हाट यू आर टेलिंग फॉर लूप दैट For is equal to bracket. One you have to initialize one variable, counter variable. Yeah. I is equal to 0, semicolon. I less than 10, semicolon I plus plus or I is equal to I plus 1. बराबर है? So वहाँ पे हमने क्या किया? कि loop कितने time आपको execute करना है? मुझे कितनी बार चाहिए? 10 times. So what I have written? I is equal to 0, semicolon I less than. Yes. E division. So I less than 10 is time. Semicolon I plus plus or I is equal to I plus 1. So वहाँ पे हमने specifically directly mention किया यहाँ पे हमें counter variable use करना नहीं है. Counter variable use करते but condition we are not satisfied. We are not applying any condition. So condition के लिए उन्होंने एक function दिया. Inbuilt function is given. That function name is range function. कौन सा function है? Range. Range range और उसके तीन parameter होते हैं. Which are the parameter? Beginning, end and state. अभी बिगिनिंग मीन्स व्हाट जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लूप की स्टार्ट कहां से होगी आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा जैसे कि मैंने सी के पॉइंट ऑफ व्यू बताया आपको आई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने जीरो उसके बाद एंड कब तक चलेगा आपका लूप एट विच पॉइंट योर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड और कहां पे आपका लूप स्टॉप होगा टर्मिनेट होगा तो क्या लिखा एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आपकी आई की वैल्यू मैंने क्या ली थी 10 0 और कब तक लेके जाना है मुझे 10 बार कंडीशन क्या लिखी आई लेस देन 10 and state means what कितने से increment करना है increment means I को आपको increment करके जाना पड़ेगा कहाँ तक 10 तक so that is step I is equal to I plus 1 कर सकते हैं I is equal to I plus 2 करेंगे तो I 0 to direct क्या होगा 2 होगा 2 से क्या होगा 4 होगा likewise जितने से आप increment करेंगे उतने से वहाँ पे वो reflect हो जाएगा so range function का syntax समझ में है सबको वही चीज करके भी देखेंगे हम beginning comma end comma step वो syntax है okay So what is the meaning of that range function? To perform number of iterations on that specific for loop. To perform number of iterations on that specific for loop, what we have to use? Range function. And in that range function, three parameters are there. अरे function है obviously function होगा तो उसमें आपको उस parameter pass करने पड़ेंगे. जब user defined function में study करेंगे third chapter में आपको पता चलेगा how to write a function and how to pass a parameter in that function. तो यहाँ पे कितने parameter हैं? Back, end and step. Back means what? Beginning. आपका counter variable कहाँ से start होगा? End means what? कहाँ से फिर stop होगा? Our step means what? कितने से increment करना? Okay? So by default वो increment कितने से होता है? One से होता है. कितने से होता है?
वन से, बट आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए वो स्टेप पैरामीटर वो क्या है, कंपलसरी नहीं है, आपको एक से इंक्रीमेंट करना है, राइट और स्टेप को आप क्या करके स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिखो 0.10, तो 0.10 लिखूंगा मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा कब तक जाएगा 10 तक, और 10 के लिए क्या होगा लूप टर्मिनेट होगा, बट मुझे क्या चाहिए 2 से इंक्रीमेंट करना है, मतलब 0 से वाले डायरेक्ट 2 करना है मुझे, तो 0.10.2 एग्जांपल देखिए हम कैसे करना है, ओके अभी देखो नीचे नीचे मैंने फॉर का सिंटैक्स लिखा, व्हाट इज द सिंटैक्स आई हैव रिटन देयर, देखो क्या लिखा है, फॉर I in range 10, क्या लिखा है, for I in range 10, लिखा है सबको, डायरेक्टली हम स्कोर नहीं करेंगे, वन बाय वन सारे वेरिएशन हम करके देखेंगे, सो रेंज फंक्शन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन रेंज फंक्शन का एग्जांपल, ऑब्वियसली अभी फॉर लूप में भी क्या करना पड़ेगा आपको, व्हाट यू हैव टू गिव इंडेंटेशन ना, लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट यू हैव टू मस्ट गिव व्हाट इंडेंटेशन, मतलब वो फॉर लूप के अंदर वाला पार्ट आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है नंबर ऑफ टाइम्स, सो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है मतलब व्हाट यू हैव टू डू, प्रिंट आई कॉमा एन इज इक्वल टू व्हाट, डबल कोट में क्या लिखा है वहां पे, एन क्यू लिखना है आपको बताता हूँ, एन पहले निकालता हूँ वहां से, सिंपली प्रिंट आई करता हूँ, वेट फॉर 5 मिनट्स, इट शुड बी सर्विस देयर फॉर सम इंस्ट्रक्शन, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू कम बाय बस, 1 Two. You registered online? Online. You also? You registered. We have to take one form from Xerox Center. Exactly. And just fill up that form, that is the end, and submit it to the workplace. Sir, he will be in the room number 301. And ask whatever your query is regarding bus, route, and whatever. Meet to Sachin workplace. And second thing is, that is a library card. How many of you got the library card? After your all lectures at 2:20, go to room number 408. That is the library. Okay, go there and check out. क्या करना है? To form, just one photo is required. Alay. नहीं लाया तो यू कैन टेक इट टुमारो, सिम कार्ड लेके जाना है, उसमें बनवा देना है, यू गेट फ्री कॉन्टैक्ट, अंडरस्टैंड, एंड फ्रॉम टुमारो यू शुड बी शार्प एट 9:30 में, देखा है बहुत सारे लोग लेट हो, बस 9:40 पर लेट हो गए ना, हाँ एक जना लेट लेट जा रहा, बाकी आ लो किसी को, ठीक है, तो सी वन एग्जांपल है, देखो यहां पे फॉर आई इन रेंज 10, क्या लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज 10, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट अभी आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 0 यहां पे कुछ मेंशन किया नहीं, पर आपको आई की वैल्यू चेंज भी करनी है, वन से स्टार्ट करना है, यू कैन चेंज इट, जैसे मैंने आपको सिंटैक्स ऊपर बताया, वो सिंटैक्स कंपलसरी वैसे नहीं है, आप यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट, मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली क्या लिखो, डायरेक्टली एंड कंडीशन लिख सकते हो आप, अभी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा आई रेंज, उसके अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट क्या लिखा है आई, तो क्या होगा, यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, जीरो टू नाइन, तो कैसे आ रहा है आपको पता होगा, हाँ सर पता कि, हाँ अभी पहले फॉर स्टार्ट करते हैं, लूपिंग का लॉजिक कैसे इंक्लूड हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू आई इन रेंज 10, आई इन रेंज
अच्छा आई को चेक करना है किसके अंदर, इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर हुआ ना हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके। वैसे हम लिस्ट भी कर सकते हैं, ओके, लिस्ट का भी यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, वो भी दिखाऊंगा आपको। सो फॉर आई इन रेंज, इन ब्रैकेट क्या लिखा है, 10, 10 मतलब 10 इज योर एंड पॉइंट। सर जब आपका आई की वैल्यू 10 होगी तब आपका लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। सो आई इन रेंज 10 मीन्स वॉट, रेंज मीन्स वॉट, 0 to 10। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी हमने 0 वहां पे मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा वहां पे वैल्यू क्या होगी, 0। सो 0 आई इक्वल टू 0 के लिए लूप के अंदर आएगा, वो आई इज इक्वल टू 0 के लिए लूप के अंदर रहेगा, आई लेस देन 10 भी है ऑलरेडी है से, उसके अंदर आया प्रिंट क्या होगा, आई, आई की वैल्यू क्या है वहां पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, 0। सो 0 प्रिंट होगा, आई प्लस बाय व्हाट, 1। सो आई की वैल्यू 0 टू क्या होगा, अभी ये बाय डिफॉल्ट होता है, वहां पे सी में बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, वहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है फॉर लूप के अंदर, फॉर इन ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस और आई इज इक्वल टू प्लस आई प्लस 1। गेटिंग, आई को इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, फोर्सफुली वहां पे लिखना पड़ता है सिंटैक्स। इन दिस केस डायरेक्टली व्हाट विल बी डन बाय रेंज फंक्शन, सारी चीजें करता है वो, इंक्रीमेंट करना, कंडीशन चेक करना, सिंपली व्हाट यू हैव टू राइट रेंज फंक्शन की प्रॉपरली कंडीशन, मतलब एंड वैल्यू वहां पे मेंशन करना है या इनिशियल वैल्यू आपको मेंशन करनी है। क्लियर है, आई की वैल्यू 1, 1 के बाद आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, 4 होगी, 5, 4, 6, 7, 8, 9, और जब 10 होगी तब लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है वहां पे, चेक दिस, 0, 1, 2, 3, 4, ओके। अभी ये कैसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, आई वांट इट हॉरिजॉन्टल, सो उसके लिए एंड नाम का कीवर्ड है, विच कीवर्ड यू हैव यूज, क्या यूज करना है, एंड। सो एंड से क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा आपका, जो आपका सीक्वेंस अभी आ रहा है नंबर का, वो कैसे आ रहा है, अभी वर्टिकली आ रहा है, ओके। क्लियर, 0, 1, 2, 3। स्पेस चाहिए तो क्या करना है आपको, यहां पे स्पेस दे सकते हो। क्लियर, हाउ टू गेट द आंसर फॉर दैट स्पेसिफिक लूप्स, ओके। अभी यही क्या करेंगे हम, तो वो कमेंट क्या दी आपने, वो वो कमेंट क्या है, वो प्रिंट स्लैश एन, हाँ वो स्लैश एन न्यू लाइन के लिए कर दो, यहाँ पे न्यू लाइन की जरूरत ही नहीं ना, बाय डिफॉल्ट वो जाता है ना न्यू लाइन पे, ओके। स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर ना, वो बाद में जब ये क्या करेंगे हम, ये यूज करने वाले, नेस्टेड इफ लूप फॉर लूप देखेंगे तब हमें प्रिंट स्लैश एन की जरूरत पड़ने वाली है। सर इन चेंज क्या होता है सर, हां हेलो, इन सा यूज क्या होता है सर, इन ऑपरेटर सा, अरे मेंबरशिप चेक करतो ना, तो आई ची वैल्यू चेक करतो ना, आले लक्षात, अपन मेंबरशिप ऑपरेटर पाहिला बघ कशा मध्ये, ऑपरेटर्स मध्ये अलग लक्षात सिंटॅक्स आहे आता फॉर लूपचा, फॉर आई इन रेंज म्हणजे आई ची वैल्यू स्टार्टिंग 0 होणार आहे, 0 आहे का तुझ्या याच्यामध्ये, कशा मध्ये, रेंज मध्ये, रेंज मध्ये ऑब्व्हियसली असणार ना, कारण 10 घेतलाय आपण तिथे ना, ठीक आहे चेंज करून पाहू का, तिथे काय चेंज केलं समजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ना, आता आपला सिंटॅक्स वरचा ऍक्च्युअल सिंटॅक्स, बिगिनिंग कॉमा एंड, आता इथे आय ची वॅल्यू काय स्टार्ट कम्पेअर करणार, तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम व्हॉट, 1, 1, ओके। सो आता 1 पासून स्टार्ट होणार, म्हणजे इथे ऑब्व्हियस आन्सर काय आहे आपलं, व्हॉट इज आन्सर, 1 to 9। और एक अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने सेंटीमेंट हो रहा है यहाँ पे, टेल मी, एक्स से आई वांट इंक्रीमेंट बाय 2, 2, 0। अभी ये एक्चुअल हमारा प्रॉपर सिंटैक्स हो गया, कौन सा, रेंज वाला, बट एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। अभी 1 से स्टार्ट होगा, बट आपका इंक्रीमेंट 1 से नहीं होगा, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय व्हाट, 2। वन थ्री फाइव सेवन नाइन, क्लियर है, ओके। सो एग्जाम में क्या होते हैं, दे कैन आस्क यू, दे आर गिविंग द लाइक 2 लाइंस का कोड देंगे, व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट फॉर दिस कोड, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम इज देयर, ओके। कभी कभी क्या बोलते हैं, इवन नंबर डिस्प्ले करो, किसमें से, 1 to 10 के, और ऑड नंबर डिस्प्ले करो, तो आपके लिए क्या करना, चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट बाय 2 एंड
ओके okay? अभी यहाँ पे मुझे ये कौन से नंबर हो गए, ऑड हो गए, ये इसको इवन करना है तो क्या करेंगे हम, बराबर ना, इससे इवन नंबर आएंगे ना हमारे, यस और नो? क्लियर? ओके, यस और नो? सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी रहेगा। हेलो, हाँ सर, नेगेटिव नंबर्स लेने होंगे तो चालू करना पड़ेगा। क्या क्या? हेलो हेलो, हाँ टेल मी, हेलो हेलो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो सर, काही जण ग्रुप वर लिहिते अनेबल टू जॉईन, अनेबल टू जॉईन, ओके अभी यहाँ पे चेंज कर लिया, थोड़ा सा चेंज, चेंज द प्रिंट, what will be the output of this code now? How many times it will display the hello? 5 na? Correct? Yes or no? Zero ke liye display ho gaya, uske baad 2 ke liye ho gaya, uske baad 4 ke liye, uske baad 6 ke liye aur uske baad 8 ke liye. Abhi 10 bhi consider karna hai aapko uske andar. तो वहां पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज करेंगे। अभी क्या हुआ, सिक्स, डन, एनी डाउट? फॉर लूप का सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऐसे लिखने आपको, ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन आपको अप्लाई करनी हो तो अप्लाइड बाय व्हाट, चेंजिंग योर स्टेप वैल्यू और चेंजिंग योर इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू, जो भी आपको लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है, लाइकवाइज यू कैन चेंज योर वैल्यूज, ओके, सो ये सिंटैक्स आप लिख के लो, रेंज फंक्शन का सिंटैक्स, देन पहले हम डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूं, ये फंक्शन, ये सिंटैक्स है, बेटा सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन, और उसका एग्जांपल बोलेंगे तो क्या, कुछ कोई भी एक फॉर लूप का एग्जांपल दो, गेटिंग, यस और नो, एनी एग्जांपल यू कैन राइट फॉर दैट? ओके सर, ओके, और एंड का मीनिंग वहां पे लो, एंड इज यूज फॉर, वहां पे लिख के लो आप लोग सब लोग, एंड कीवर्ड इज यूज फॉर डिस्प्ले आउटपुट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, डिस्प्ले आउटपुट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, और नहीं लिखेंगे तो क्या होगा आपका, डिफरेंस दिखा है मैंने ना, तो सब एक एक साथ आ जाएंगे सर, इट विल बी डिस्प्ले इन वर्टिकल लाइन, न्यू लाइन पे जाएगा वो बाय डिफॉल्ट, ओके, रेंज फंक्शन के वेरिएशन लिख के लो ये सारे, ये स्लैश एन नहीं है, प्रिंट स्लैश एन मत लिखो वहां पे, कमेंट में डालता उसको, एक्चुअल जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके, हर एक का आउटपुट लिख के लो आप लोग, तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा बाद में, ऑल ऑफ राइट हैव द आउटपुट आल्सो, जो भी जितने बेसिक कोड लिखे छोटे छोटे सबका आउटपुट आप उसके नीचे लिखो प्रोग्राम के नीचे, हाँ पहले वाला प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा बता, फॉर आई रेंज 10 प्रिंट आई हॉरिजॉन्टली 0 टू 9, करेक्ट, यस और नो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर, ओके सर, उसके बाद सेकंड का आंसर बताओ मुझे सर, सेकंड वाले का 1 टू 5 होगा इन हॉरिजॉन्टल रो, 1 टू 5 और 1 टू 4, 4 1 टू 4, 1 टू 4, 1 टू 4 ना, 1 टू 4, हां 1 टू 4, यस, थर्ड वन का आंसर, थर्ड
थर्ड वन का 1 to 9 क्लियर आहे? डाउट आहे याच्यामध्ये काही कोणाला? सर अगर हमें रेंज 10 तक लेनी है तो 11 नेस्टेड फॉर लूप मत लिखो, वो बाद में लेने वाले हैं। तो द लास्ट वाले से कहीं कौन सा है? ये वाला फॉर जे इन द रेंज। हाँ तो नेस्टेड फॉर लूप यार थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं आता। ओके सर। ओके नेस्टेड फॉर लूप का कांसेप्ट ज्यादा नहीं आता आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय फॉर आय रेंज 0 to 10 काय होगा? हॅलो प्रिंट हॅलो प्रिंट होगा प्रिंट टाइम्स हॅलो प्रिंट हॅलो हाउ मेनी टाइम्स वर्टिकल में प्रिंट होगा वर्टिकली होगा वो क्या होगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्योंकि एंड स्टेटमेंट वहां पे लिखा नहीं है ओके सो एंड का मीनिंग सबको समझ में आया स्लैशन अभी जनरली यहाँ पे नहीं जरूर पड़ती बिकॉज दैट बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो आपने एंड में लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है न्यूज़ पे डिस्प्ले होता है बट जब आप नेस्टेड करेंगे तब आपको स्लैशन यूज करना पड़ेगा ओके सो देखेंगे वन बाय वन सो एनी डाउट रिगार्डिंग रेंज फंक्शन तो एग्जाम में आपको सिंपल से आप एमसीक्यू बेस्ड की जो एग्जाम्पल होगी उसके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होंगे कि दो लाइन का कोड दिया जाएगा व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट फॉर दिस कोड सीक्वेंस होगा कुछ तो कोई भी सीक्वेंस होगा मतलब अभी जैसे मैंने 1, 10, 2 लिखा होगा व्हाट इज आउटपुट ओके क्लियर अभी यही मैंने जो आपको कोड बताया ये दिस वन सो ये विदाउट फॉर लूप के लिए हमें कितने लाइन लगते थे हाउ मेनी लाइंस 10 लाइंस क्लियर ना टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स हाउ मेनी लाइंस वी रिक्वायर 10 लाइंस वो सिंपल किसकी वजह से हो गया ड्यू टू द फॉर लूप और रेंज फंक्शन वो इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पे हमें कुछ करने की जो सिंपली यू हैव टू व्हाट मेंशन योर पैरामीटर्स प्रॉपरली जैसे अभी एक न्यू चल कि मुझे 10 लेने तो 10 के लिए आपको क्या करना सिर्फ एक से बनाओ फिर उसको 11 करो उसको नहीं तो क्या करो 0 to 10 टाइम्स करना है अभी यहाँ पे हेलो का मैं 1, 10, 11 भी कर सकता था 1, 11 देन आल्सो योर आंसर इज व्हाट 10 ना यस और नो और 0, 10 से क्या हो गया 0 to 9 तक गया और 1, 11 से क्या हो गया 1 to 10 तक क्लियर है ओके सो इन एग्जाम दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट एक्सप्लेन फॉर लूप विद एग्जांपल और इनसे में जनरली ये नेस्टेड वाले जो स्टार वाले क्वेश्चन है डिस्प्ले स्टार पैटर्न वगैरह डिस्प्ले 1 2 3 4 सीक्वेंस होगा उस टाइप का क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स प्रोग्राम विल बी आस्क्ड डेफिनेटली इफ यू सेम एग्जाम थ्योरी एग्जाम हां सर आपण ते 1 2 लिहितो तेव्हा इन्क्रीमेंट होती तर डिक्रीमेंट नाही होत का कधी म्हणजे डिक्रीमेंट करू शकतो तो हा करू शकतो तर त्याचे प्रोग्राम पाहू ना डिक्रीमेंटचे पण प्रोग्राम आहे ते नेस्टेड फॉर लूप मध्ये करू शकतो म्हणजे उलट कसं करणार तू आता स्टार्ट करून करणार तू समजा तू उलट म्हणतो 10 पासून करायचं ना हो 10 पासून मायनस आणि 0 करू शकतो उलट करायचं हा या टाइप मध्ये ना लाइक वाइज इथे समजा आता मी केला 10 इथे केला कोमा करून कुठ पण नाही आपल्या तो 0 पर्यंत आणि कोमा काय करायचं समजा -1 ओके -2 करा येस क्लियर इंक्रीमेंट पण करू शकतो एनी डाउट हां आता -2 केलं तर काय होईल ते चेक करा तुम्ही किती वेळा येईल 5 times येस ऑर नो येस 5 times डिक्रीमेंट पण करू शकतो इन्क्रीमेंट करू शकतो काय प्रॉब्लेम नाही ओके
आता ते नेस्टेड फॉर लूपच्या प्रोग्राम मध्ये जनरली असं भरपूर पॅटर्नचे प्रोग्राम्स आहेत त्याच्यामध्ये बुक मध्ये, ते तुम्हाला घेऊ एक एक वन बाय वन बघू आपण. त्याच्यामध्ये इन दॅट केस आपल्याला निगेटिव्ह म्हणजे डिक्रिमेंट पण करावं लागणार. ओके, तर डिक्रिमेंट ऑपरेटर इथे नसतो आणि अजून एक पाहिलं तुम्ही इथे इन्क्रिमेंट डिक्रिमेंट ऑपरेटर युज होते का पॅटर्न मध्ये, प्लस प्लस और मायनस मायनस? नाही, तो आय प्लस प्लस आपण युज करतो तिकडे, आय मायनस मायनस कहां पे सी में सी प्लस प्लस. और ऑपरेटर में भी कहां पे आपने प्लस प्लस ऑपरेटर देखा क्या हमने? अभी जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखा हमने? नो, बिकॉज देयर इज नो नीड टू यूज व्हाट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन पाइथन. डायरेक्टली रेंज फंक्शन वो काम करके लेता है, वो बाय डिफॉल्ट वन से इंक्रीमेंट होता है, नहीं तो इफ वी आर रिटन टू इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय टू. क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है? उसके बाद में जो व्हाइल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करके एग्जाम्पल देखेंगे. व्हाइल का एग्जाम्पल पहले कंप्लीट करेंगे, व्हाइल लूप का. अभी व्हाइल लूप क्या होता है? इट इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ व्हाट फॉर लूप. फॉर लूप में क्या है, रेंज फंक्शन यूज करके हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से हम यार डिस्प्लेइंग आउट आउटपुट. ओके, यहाँ पे क्या है, सिंपली एक कंडीशन लिखेंगे व्हाइल के अंदर. क्या लिखेंगे? वी आर राइटिंग द, जैसे इफ के अंदर कंडीशन लिखते ना, सो लाइक वाइज यू हैव टू राइट डाउन व्हाट कंडीशन इन साइड व्हाट व्हाइल लूप. अभी वाई के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखा, सिंपल एग्जांपल, उसके पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, काउंटर वेरिएबल. उसको क्या बोलते हैं? काउंटर वेरिएबल. दैट काउंटर वेरिएबल जनरली कैसे एक पैटर्न होता है व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम. काउंटर वेरिएबल यू कैन टेक आई जे और के, जनरली यू कैन टेक एनी अदर ऑल्सो, बट स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द फॉर लूप जो वेरिएबल होते हैं काउंटर वेरिएबल, दैट यू हैव टू टेक व्हाट आई जे और के, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो लिखते हो. समझ में आ रहा है? हम लूप के बाहर पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं किसको, वेरिएबल को, उसके बाद व्हाइल के अंदर कंडीशन लिख रहे और इंक्रीमेंट किसमें किसके अंदर कर रहे हैं, लूप के अंदर जाने के बात. देखो उसके अंदर मैंने व्हाइल लूप के अंदर क्या लिखा, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स, उसके बाद आई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, आई प्लस वन. तो अभी पहले आई की वैल्यू कितनी बताऊं मुझे, जीरो. अभी लूप के अंदर आएगा जीरो लेस देन इक्वल टू टेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. लूप के अंदर आएगा प्रिंट आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू क्या होगी प्रिंट के, जीरो. अभी आई इज इक्वल आई प्लस वन मीन आई की वैल्यू जीरो टू वन होगी, अगेन ऊपर जाएगा लूप में, काउंटर अगेन गो टू द लूप, इसलिए लिखा लूप स्टॉप, स्टॉप हुआ नहीं है. वन लेस देन इक्वल टू टेन, ट्रू. अगेन लूप के अंदर आएगा प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी वन, अगेन आई प्लस प्लस आई प्लस वन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन भी प्रिंट होगा, इलेवन के लिए क्या होगा फॉल्स. तो व्हाट इज आउटपुट, जीरो टू टेन, यू विल चेक इट. सो व्हाइल और फॉर में डिफरेंस क्या बताओ मुझे, वहां पर रेंज फंक्शन यूज किया, यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या किया है, इंक्रीमेंट भी किससे कर, कितना करना है वो हमने वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया. वहां पे इंक्रीमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है वन से, बाय डिफॉल्ट होता है. आपने टू किया तो टू से होगा, थ्री किया तो थ्री से होगा. यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज लूप के बाहर किया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने वन किया फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एवर रिटर्न वन. गेटिंग? अरे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस कर सकते हैं सर, नो वेदर दिस इज करेक्ट, यस सर, नो यस सर, यस सर. क्लियर है ना? ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, इन प्लेस और शॉर्टकट ऑपरेटर फॉर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन. ओके, तो इससे भी क्या होगा, हमारा रन होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट यहां पे टू किया मैंने,
सो यहाँ पे कंडीशन और इंक्रीमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं. डिसाइड मीन्स वी हैव टू राइट सम स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन. That is i plus 1 or i is equal to i plus 2 likewise. Okay? Condition भी हमने satisfy किया वहाँ पे. We have to mention the condition. अभी यहाँ पे मैंने clear? What is the syntax error here? Name i is not define. I को define नहीं किया, कुछ value भी define नहीं किया. Simply we are directly writing inside the loops. Okay? Clear है while loop का syntax लिखा सबने? While in bracket condition colon inside that block of statement and increment the counter variable. So anybody having doubt with respect to while loop? इसके डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप देखेंगे. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द व्हाइल लूप syntax? Yes or no? Yes, sir. Okay. अरे यहाँ पे जैसे for loop जैसे कि यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं ना, अपोजिट कैसे करेंगे? ये लिखा है सबने पहले. All of you written this example. Minus. Yes. What is answer? 10, 8, 7. 10, 8, 6. 6, 4. 2, 6, 4, 2. 2, 0, na? All right, come, come. You take a patch condition? Okay. Greater than 0. Getting? Yes or no? Opposite. Decrement भी कर सकते हैं. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Any doubt? So, आपको अभी वो decide करना है कब आपको while loop use करना है और कब आपको for loop use करना है. Okay? So, as per your choice, you can write on logic for that specific code. अभी different programs है अभी regarding जैसे कि पैटर्न आपको पता होगा, स्टार पैटर्न आपको डिस्प्ले करना है, स्टार टू स्टार थ्री स्टार, उसके एग्जांपल देखेंगे, 1, 1, 2, 1, 2, 3, उसके लिए नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे. सो वो कैसे एग्जीक्यूट करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, आपके लिए कोई डाउट है किसी को? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो वो आपको करके लाना है रिगार्डिंग व्हाइल लूप. राइट डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाइल और फॉर से दोनों से करना है वो प्रोग्राम. एक ही प्रोग्राम का स्टेटमेंट है वो दोनों से करना है. Write a program using for loop and while loop. To calculate average of first n natural numbers. Write a program using for loop and while loop. To calculate average of first n natural numbers means what? N का input लेना आपको, n enter any number. मतलब मैंने enter की n की value 10 enter की. तो क्या करेगा वो? पहले 10 number का क्या करेगा? What? Sum करेगा और उसका average निकालना है. Sum करके average निकालेंगे. पहले sum करो, उसके बाद average निकालेंगे. So for that you have to use for loop and while loop. दोनों से करना है program. कर सकते हैं? Do it. Yes, sir. Okay. So we will stop here. All of you give your attendance. I will open first. Okay, directly. Roll number 1. Present. 2. Present. 3. 4. 5. 6. 7. Present, sir. 8. 9. 10,
प्रेजेंट सर. 11 12 प्रेजेंट सर. 13 13 14 15 प्रेजेंट सर. 16 प्रेजेंट सर. 17 प्रेजेंट सर. 18 प्रेजेंट सर. 19 प्रेजेंट सर. 20 20 21 प्रेजेंट सर. 22 प्रेजेंट सर. 23 24 प्रेजेंट इन चैट बॉक्स. ओके 24 24 24 25 26 प्रेजेंट सर. 27 प्रेजेंट सर. 28 29 30 प्रेजेंट सर. 31 प्रेजेंट सर. 32 33 प्रेजेंट सर. 34 34 35 प्रेजेंट सर. 36 36 प्रेजेंट सर. 37 37 38 प्रेजेंट सर. 39 40 40 41 42 43 प्रेजेंट सर. 36 प्रेजेंट. 44 प्रेजेंट सर. 45 प्रेजेंट सर. 46 47 48 प्रेजेंट सर. 49 प्रेजेंट सर. 50 प्रेजेंट सर. 51 प्रेजेंट सर. 52 53 54 53 प्रेजेंट. ओके 54 प्रेजेंट सर. 55 प्रेजेंट सर. 56 56 57 58 प्रेजेंट सर. 58 59 प्रेजेंट सर. 60 61 62 प्रेजेंट सर. 63 प्रेजेंट सर. 64 प्रेजेंट सर. 65 प्रेजेंट सर. 66 67 68 प्रेजेंट सर. 69 प्रेजेंट सर. 70 प्रेजेंट सर. 71 प्रेजेंट सर. 72 प्रेजेंट सर. 73 73 Absent number, I will call you once again. 5, 6, 9, 11, 13, 14, 11 present. Okay. Sir, 13 present, sir. 14 13, present. 5, 6, 9, 20, 24, 25, 29, 37, 42, 47, 56, 61. Sir, 42 present, sir. 42 present, okay. 47, 61 and 56. These are the absent numbers. Okay. So, okay, thank you. Okay, sir, bye.